नमस्कार किसान साथी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल किसान में। मैं हूं हेमंत धाकड़ और आप देख रहे हैं खाचरुत मटर मंडी भाव। आज दिनांक 18 जनवरी 2022, समय है 12:25 का और खाचरुत मटर मंडी में काफ़ी सारी आवके आ चुकी है। आज जो है कल की तुलना में अधिक आवके देखने को मिल रही है और बाहरी मंडियों जो है मुंबई पुणे महाराष्ट्र की जो मंडियाँ हैं उनमें जो है डाउन हुआ है भाव। तो देखते हैं उसका प्रभाव खाचरुत मटर मंडी में कितने हद तक पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी किसान भाई से निवेदन है, चैनल को जिन जिन किसान भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाइएगा तो अन्य किसान भाई तक शेयर अवश्य करिएगा। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष सूचना, जो किसान भाई अभी अपनी फसलें निकाल रहे हैं जैसे मटर की फसल हो गई और भी अन्य जो फसलें निकल रही किसान के खेतों से और खेत खाली हो रहे हैं उन जगह कुछ किसान भाई जो है गेहूँ लगाने वाले हैं, कुछ अन्य जो है अलग अलग प्रकार की फसलें लगाने वाले हैं, उन किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वह जो है कुछ क्षेत्र में तरबूज लगा करके अच्छा मुनाफा जो है प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास में गर्मी में यानी कि फरवरी के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह से लेकर के आने वाले 60 दिनों तक अगर आधे घंटे का मात्र भी अगर पानी है तो वो जो है 1 बीघा तक के तरबूज लगा सकते हैं, जिसमें खर्चा लगभग 15,000 से 20,000 रुपये है और उसका प्रॉफिट जो है वो 1,00,000 से 1,50,000 रुपये तक है। और इस खेती को करने में जो भी आपको सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, जो भी टेक्निकल गाइडलाइंस रहेगी, वो आपको सफल हाईटेक नर्सरी जो है उपलब्ध कराता रहेगा। और अभी तरबूज की बुकिंग सफल हाईटेक नर्सरी पर स्टार्ट हो गई है और जिन जिन किसानों ने अपनी नर्सरी जो है सफल हाईटेक नर्सरी से बुक कराई उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो किसान भाई अपनी जो है कुछ हट की खेती करना चाहते हैं वो जो सफल हाईटेक नर्सरी से एक बार संपर्क अवश्य करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देख लो सेठ, ऊपर चढ़ देख लो। चलो ये संजू भैया के कांटे पे हुआ है डीएफसी में। ये गया 1870 में 24 बोरी का लाट डीएफसी में जगदीश जी मंडी के पे संजू भैया ने लिया है। और एक किसान भाई लेके आए, क्या नाम भैया? राहुल। कौन से गांव से आए? बड़ी रोल से आए हैं 1870 में रोल खुर्द से। आज का टाप माल गया है 18/1/2022 को 1900 रुपये क्विंटल के हिसाब से 16 बोरी का एक लाट और 7 बोरी का एक लाट दीपक कुमार बाबूलाल में टाप माल गया है। और भैया लेके आए कौन से गाँव से अंकल जी? बांग्ला से। क्या नाम है? सुनील जैन है। सुनील जी जैन पिपलोदा बांग्ला से 1900 में गया है अभी तक का टॉप माल 18/1/2022 को। सेट के कांटे पे हल्का खेरा माल है 1351 रुपये क्विंटल के हिसाब से 18/1/2022 को गया है। और ये भैया लेके आए कौन से गांव से भैया? डोंगला। क्या नाम है? मुकेश जी आए डोंगला से। और हमारे धर्मन सेट के कांटे पे ईश्वरलाल जी ने लिया है माल 1351 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। धर्मेंद्र सेठ के कांटे पे 1860 रुपये में 1860 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गया है माल धर्मेंद्र सेठ की पर्ची। और एकदम वीआईपी माल लिया है काका का माल है। क्या नाम है काका? मामू सिंह। कहाँ से? गिनवाने से मोनू सिंह जी। और ये हमारे धर्मेंद्र सेठ ने लिया है। हाँ एकदम वीआईपी माल 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गया है। इन राजा भाई के लिए लिया है। हाँ ये राजा भाई नागदा वालों के लिए खरीदा है। हाँ बोलो 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 मत आना फिर उपार देना। हाँ काट काट। और ऑल रेड डेट की अगर बात की जाए तो फैक्ट्री माल जो है सादा वाला मटर जो है वो 10 रुपये जा रहा है और अच्छा जो है पीएसएम मटर जो है वो 13-14 रुपये तक जा रहा है। ओवरऑल पेंसिल की अगर बात करें तो फैक्ट्री माल 12-13-14 रुपये जा रहा है और अच्छा माल जो है 18-19 रुपये से ऊपर नहीं गया है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।